ललन टॉप पर आए गिप्पी गरेवाल ने हाल ही के अंदर हनी सिंह और बादशाह की लड़ाई को लेकर बातचीत की। आपको बता दें दोस्तों, ललन टॉप पर आए गिप्पी गरेवाल काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में खुलकर बात करते हुए नजर आए। जहां पर उन्होंने बादशाह और हनी सिंह के बारे में बात की, तो वहीं खुद वो काफ़ी समय बाद यहां पर हनी सिंह से मिले थे, उस बारे में भी बात की। अपने पुराने गाने अंग्रेजी बीट, जो कि उन्हें दो बार शूट करना पड़ा था, इसके बारे में भी वो कहानी बताते हुए नजर आए, जो कि आप ललन टॉप पर सुन सकते हैं। वहीं बादशाह और हनी सिंह की लड़ाई के बारे में उन्होंने खास बात ये कही कि आखिरकार इन दोनों के बीच में जो भी बीफ, जो भी लड़ाई है, वो आखिरकार है ही नहीं। अगर ये दोनों एक साथ 2 घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए भी बैठ जाएंगे तो इन दोनों की लड़ाई ही सॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि इनकी जो लड़ाई है वो कुछ इस तरीके की है जो कि काफ़ी बचपने वाली है, क्योंकि किसी ने इनके कान भर दिए, किसी ने इनके बारे में दूसरे को भड़का दिया, तो यही वजह है कि इनकी लड़ाई बढ़ गई है। दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों मेरे दिल के बहुत करीब हैं और दोनों मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मैं भी दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आखिरकार इनका धर्म एक ही तो है, म्यूज़िक इनका धर्म है और दोनों जम के काम करते हैं, एनर्जेटिक बंदे हैं, लेकिन इनकी जो लड़ाई है वो मैं तो चाहता हूँ कि सॉर्ट हो जाए, एक दूसरे से पूछ ले, एक दूसरे से बात कर ले और जो भी नाराज़गी है, क्रेडिट हो या फिर किसी भी बात की हो, तो वो ख़त्म हो जाए। मैं नहीं चाहता कि इनकी लड़ाई फिर ऐसे रहे। बहरहाल गिप्पी गरेवाल का तो मानना है कि आखिरकार हनी सिंह और बादशाह के बीच में जो भी लड़ाई है वो कुछ खास है नहीं, बस इन दोनों के बीच में जो भी चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेनली अफवाहों की वजह से है। आपका क्या कहना है, बादशाह और हनी सिंह को दोस्ती कर लेनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय बताएं। अब अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल देखो देखो को।